हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक तरह की हर्ब्स बनाना। इस हर्ब को आप पिज्जे में, स्नैक्स में या फिर किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मार्केट्स में लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली मिलती है, ये घर पर भी आसानी से बन जाती है। तो इसके लिए मैंने 5-6 तरह के पत्तों का यूज़ किया है। सबसे पहले करी पत्ता लिया है, ये तुलसी है, मेथी, मेथी पत्ता, ये अजवाइन के पत्ते हैं, हरा धनिया, डंडी सहित लेना है हरा धनिया, और पुदीना। ये 6 चीज़ मैंने ली हैं। तो इनको आप बराबर बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से धोकर एक कपड़े पर धूप में सुखा लें। अब ये सारे पत्ते हमने सुखा लिए हैं, ये करीब 3-4 दिन की धूप लगी है। ये देखिए, इनको ऐसे कड़क कड़क बोलना है। तो अब हम इन क्या करेंगे, इनको सबको हाथ से मसल लेंगे। इनको मिक्सी में नहीं पीसना है, बहुत बारीक नहीं बनाना है। इसको ऐसे रखना है मोटा मोटा, और छानना भी नहीं है इसको। ये पुदीना है, हमने सारी बराबर क्वांटिटी ली थी। ये धनिया है, ये मेथी है, ये करी पत्ता है, ये अजवाइन के पत्ते हैं, तो मैंने इसको हथेली से सारा ऐसे क्रश कर लिया है। इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, और इसको ऐसे दरदरा ही रहता है ये। तो आप इसको पिज्जा में, बर्गर में, स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहे तो आप इसको सूखी सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मार्केट में ये मिलता है, बड़ी महंगी बोतल मिलती है। आप इसको बनाकर घर में रख लें, एयर टाइट डब्बे में इसको भर कर रख दें, ये साल भर तक भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।